नमस्कार, वेलकम टू दिस हीलिंग चैनल। आप सबका स्वागत है। और आज जो है वो साइकिक नॉट्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ये हम मुख्यतः ग्रंथि कहते हैं, और ये तीन साइकिक नॉट्स हमारी बॉडीज में होती है, जिसका हम कहेंगे एक नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है। पर ग्रंथि मतलब नर्व्स, तो वो एरिया जहाँ पे नर्वस सिस्टम का वो एरिया जहाँ पे ये ग्रंथियाँ का एक पुंज, एक कनेक्शन है, वो है मूलाधार और अनाहता और हमारा फोरहेड। तो यहाँ पे तीन तरह की ग्रंथियाँ, जिनको हम कहेंगे ब्रह्म ग्रंथि यानी लॉर्ड ब्रह्मा के ऊपर विष्णु ग्रंथि, और शिव के ऊपर रुद्र ग्रंथि। तो ये चीजें हैं क्या, और ये तीन फोर्सेस हैं जो कंप्लीट यूनिवर्स को बनाती हैं। तो अगर हम अपने अंदर जो समाया हुआ एक यूनिवर्स है, उसमें जब हम इस लेवल पे काम करते हैं, तो आगे अध्यात्म में बढ़ते हैं। और ये जो ग्रंथि हैं वो हमारे चक्र, हमारी कुंडलिनी सबको प्रभावित करती है। अगर हम इनसे फ्री नहीं होते तो ये कहना बेईमानी हो जाएगी कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है या हमारा चक्र पूर्ण रूप से संतुलित है। ये ग्रंथि जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्मा लॉर्ड ऑफ नॉलेज, और ये जो सीट है इसकी मूलाधार चक्र है, और इसे ये तीनों ऊपर के तीनों चक्र पर ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सागर मंथन के दौरान जब असुरों को वश में करने के लिए विष्णु भगवान ने स्त्री रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर स्त्री रूप धारण किया, और उनका रूप देख के शिवजी भी कहते हैं कि बिल्कुल उनके पीछे भागने लगे, जबकि पार्वती माँ खड़ी थी। लेकिन एकदम इल्यूजन हो गया, भ्रम में आ गए वो, और उन्होंने अपना आपा खो दिया, और उनके पीछे वो सागर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, वनस्पतियाँ हो, सबसे वो जैसे जैसे वो विष्णु भगवान स्त्री रूप में आगे बढ़ रहे थे अप्सरा रूप में, और शिव जी वहाँ पे आगे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और एक्साइटमेंट हो गई। फिर नॉलेज का एक पुंज उनके अंदर एंटर किया, और उन्हें समझ में आया, अरे ये क्या है, ये तो एक बहुत ही भौतिक चीज है जिसके पीछे मैं भाग रहा था। तो कहने का अर्थ है कि जितना इल्यूजन है हमारे अंदर, वो इस ग्रंथि के प्रभाव के कारण है। जैसे टू मच हम सांसारिकता में रहते हैं, हमें लगता है ये हमारा है, पर कुछ भी हमारा तो नहीं है। अगर सच कहो तो शरीर भी नहीं, ये आत्मा भी ईश्वर स्वयं की है, और हमारा तो कुछ भी अंदर नहीं है, ना ये जो प्राण है, शक्ति है, ये भी हमारी नहीं है, ये भी ईश्वर की दी हुई है। पर हम दुनिया में इतना घुसे होते, दिस इज इल्यूजन, भ्रम की स्थिति है कि ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं। तो आप सब अपनों के साथ तो जाते नहीं हो, संसार छोड़ते नहीं हो, हर किसी का अपना अलग समय होता है। तो ना तो संसार में कोई एक साथ आया है, ना ही एक साथ जाएगा। और इस सत्य को हम अपने अंदर सार्थक नहीं करते, पहचानना नहीं चाहते, जबकि ये सत्य है। हमारे थ्रू बच्चे आते हैं, पर वो हमारे नहीं,
ईश्वर के, पर हम मोह माया के तहत कितना उनके पीछे पागल हो जाते हैं, कितना चिंता करते हैं, कितना उनको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, कितना हम उनके तरीके से चलना चाहते हैं। टू मच ऑफ एडजस्टमेंट, पर हम शांत तरीके से उनको गाइड करके उनको अपने मार्ग पर छोड़ते नहीं। टू मच कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा, अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रारब्ध है वो काटना पड़ेगा और उनको अपने रास्ते जाना है जो ईश्वर ने निर्माण किया है, उनका मार्ग जाएंगे वो उसी रास्ते। तो इतना भूमाया है ये चीज मेरी है, हम कितना सोना चांदी रुपए पैसे सबके पीछे भागते हैं, परेशान होते। अभी अगर कोई फ्री में बहुत पढ़ना चाहता है, अगर दक्षिणा का नाम लेंगे तो एकदम से वो असहज हो जाएंगे, क्योंकि वो मोह है, मोह है। तो इस तरीके का जो मोह है वो क्या है, वो कहाँ आपको बांध देता है, वो आपको नीचे के तीन चक्रास में ये नॉट है जो कि वास्तविक है पर ये कॉस्मिक नॉट है और इसका प्रभाव आप जीते हो। और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो, यानी जैसे कि नॉट को क्या कहेंगे, एक गांठ, और ये कई सारे कार्मिकों की गांठ होती है, कई सारे हमारे जो इल्यूजन्स है, फियर है, कुछ भी है इस तरीके का, भ्रम है हर चीज, रोना हंसना ये सब भ्रम है। अनंत आनंद सत्य है, ब्लिस सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो हम उस स्थिति में नहीं रहते क्योंकि हमने तो खुशी गम में अपने जीवन को बांध दिया है। आप देखो ना, जैसे कि 16 श्रृंगार हमारे ग्रंथों में है, पूजा पद्धति में है, प्रकृति में है, पर हम दुख सुख से कैसे बांधते हैं, कोई चीज अप्रिय घटित हो जाती है, श्रृंगार छोड़ो, क्योंकि हमने इल्यूजन में रह रहे हैं। पर कभी आपने देखा है कि पेड़ से फूल गिरते हैं और पेड़ रो रहा है? कभी आपने देखा फल लगते हैं और कोई फल ले जाता है तो वो रोते हैं? वो कहते हैं कि ये तो दस्तूर है दुनिया का, वो बहुत ही ईश्वर के करीब है ना, वो नेचर है और नेचर बहुत सुंदर होती है। हम लोग अपने को कैसे बांध लेते हैं? तो ये अभी हमें इन परिनिधि को तोड़ना है, आगे बढ़ना है, इन साइकिक नॉट्स को तोड़ना पड़ेगा, और वो तब है जब आप एक सात्विक रास्ता अपने तरीके से नहीं जियोगे, यानी लिखे पढ़े ग्रंथों के आधार पर नहीं, जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति सिखाती है, जो ईश्वर स्वयं सिखाता है, अगर हम उस पे चलते हैं तो ये साइकिक नॉट्स दूर होती हैं, गलने लगती हैं, खत्म होती हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है, कुंडलिनी के लिए रास्ता साफ होता है और आप आगे बढ़ने लगते हो, चक्रास एनर्जाइज होते हैं, मेजर माइनर चक्रा जो माइनर जुड़े हुए हैं वो चक्रा एनर्जाइज होते हैं और अति सूक्ष्म चक्रा भी एनर्जाइज होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर मेटलिस्टिक गेन है और हम मोह माया में बहुत पड़े हुए हैं, तो आप सोच लो कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों से निकलना है और इस ग्रंथि को सॉल्व करना। एक क्षमा याचना जो मैंने वीडियो डाली भी है, अगर आदमी क्षमा याचना में भी लगता है तो भी इसको सॉल्व कर पाता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम मोह माया में पड़ते हैं और इसकी हमें क्षमा याचना करनी पड़ती है। तो हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें सोचना होगा कि जो मोह माया है वो मेरे अंदर किस तरीके की है और उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हम सिर्फ भौतिक शरीर, भौतिकता के जो रिचुअल्स होते हैं उनमें अगर हम फंस जाएंगे तो हम बाहर नहीं निकल सकते।
आपको अपनी बुद्धिमत्ता, सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब आप बाहर निकलोगे। और उसके लिए, बाहर निकलने के लिए खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है, आसपास वालों से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक मानसिक रूप से, क्योंकि हर कोई एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, पर जो सत्य है, मैंने साध लिया, मैं सत्य पर चलूंगी, अगर मैंने सोच लिया तो फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब इस पे ध्यान भी आप करें तो, ध्यान में कराऊंगी इसका ब्रह्म ग्रंथि का भी कराऊंगी मैं, और वो ध्यान वाले मेरे चैनल पे उपलब्ध होंगे। अभी तो नहीं, पर मैं आगे इस पर तीन ये अलग अलग ध्यान का मेरे मन में विचार है, और मैं इसको अवश्य बनाऊंगी, जैसे समय मिलेगा तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये है हमारी ब्रह्म ग्रंथि, और ख़ास करके इसमें कौन लोग ज़्यादा आते हैं, जैसे बिजनेस पर्सन हैं, अगर वो एक रिस्क फैक्टर को ना लेके एक मोह माया में पड़ गए, या पॉलिटिशियन हैं, या बहुत बड़े लोग जो हैं उन, वो जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, वो भी इसमें, इसके अंतर्गत आते हैं, ईगो बढ़ जाता है, तो वो भी एक पार्ट है इसका। तो इसमें हमें काम करना चाहिए, और ओम ब्रह्माय नमः ये इसका मंत्र है, पर इसको किस तरह से करेंगे हम कि ये एनर्जाइज हो जाए ब्रह्म ग्रंथि और हमें थोड़ा रिलीज मिले, तो ये बाद में हम बताएंगे ज़रूर आपको। पर अब चलिए दूसरी नॉट, और वो कौन सी है, विष्णु ग्रंथि, और इसका जो एरिया है वो है आपका हृदय और विशुद्ध, यानी थ्रोट चक्र, हार्ट एंड थ्रोट। जैसा कि इसमें है कि हार्ट हमारा अफेक्टेड किन चीज़ों से होता है, हम ज़्यादा बांध लें अपने आप को, जैसे कि अप्रतिबंधित प्रेम में नहीं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख के साथ महसूस कर रहे हैं कोई चीज़, कोई अवस्था, कोई सिचुएशन, किसी की बात अपने दिल पर खूब गहरा लगा लिया है, और हम फील आज़ाद नहीं कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, और अगर कोई भी इमोशनल इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो इसका मतलब ये विष्णु ग्रंथि के हम अधीन हैं, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, खोल नहीं पा रहे, इसकी जो जैसे उलझन सी होती है ना, ऊन की या कोई गुत्थी सी हो जाती है, वो उसको कहिए साइकिक नॉट। तो इस तरीके का ये जो है भाव, अगर आपके अंदर है बहुत सारा जेलसनेस होता है, जेलसनेस एक बहुत ही कॉमन और सबसे व्यापक एक भाव है जो व्यक्ति के अंदर, जो आम मानवता की कहेंगे ना एक गुण है, अवगुण, तो वो सबके अंदर व्याप्त होता है। इससे भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए, मैं ऐसे नहीं कर पाई, इनका ये हो गया, वो बढ़ गए, हम दूसरों को ही देख रहे हैं, पर हम अपने रास्ते नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, वो मुझे स्टेप उठाने चाहिए। हम कुछ किसी से हाइड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, दूसरे की जानना चाह रहे हैं पूरी चीज़, और अपनी सारी चीज़ें छुपा ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप नहीं हो, ये आप विष्णु ग्रंथि के अधीन काम कर रहे हो। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपका ये कुंडलिनी यहाँ से ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो होगी। कभी कभी जब मैं हीलर्स को बताती हूँ कि आप अपने ऊपर काम करिए, जब चक्रास पे हम काम करते हैं, भाव पे हम काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इनको हील कर लेते हैं, पर यदि हम सही से काम करें तो, पर जो नहीं कर पाते, बार बार उतर जाते हैं अपने मार्ग से, फिर चढ़ते हैं, तो उनको समय लगता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे मीराबाई,
मीराबाई क्या है, एक इतना समर्पण कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है। अब बस पूर्ण समर्पण, उनको आत्मसात, उनको अपने अंदर उतार लेना, ऐसा महसूस करना गिरधर गोपाल के अंदर हम हैं। ये जो भाव है, जो समर्पण का भाव मैं आपको अक्सर कहती हूँ, आप किसी के लिए भी समर्पित भाव रखें पर शुद्ध रखें। और वो आपके माता पिता हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके देव हैं, आपके भगवान हैं, आप जिनको फॉलो करते हो, किसी के साथ तो आप अपना समर्पण भाव इतना रखो भाई, कंपटीशन में नहीं आना है तो कंपटीशन में आ जाएंगे। तो ये वाले भाव जो है ना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, ये सब विष्णु ग्रंथि का रिजल्ट है। और इसको खोलना, यानी जब आप प्रेम में आ जाते हो, सबको एक दृष्टि से देखते हो, कौन क्या कर रहा है से अलग होके, जो कि थोड़ा मुश्किल है पर असंभव नहीं है, तब जाके ये ग्रंथियां खुलने लगती हैं। और ग्रंथियां खुलेंगी, पीड़ा ये होगी कि मैं तो प्रेम कर रही हूं और दूसरा मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ अपने प्रेम को ही सोचना है। तो जो सेल्फिशनेस है ना, वो इसका अवगुण है बहुत बड़ा। कभी हम ठीक होते हैं, कभी हम सोचते हैं ठीक है, प्यार करेंगे सबको, अनकंडीशनल प्रेम, शांति में रहना चाहते हैं पर रह नहीं रहे, अशांत हैं पर दूसरों को पोज कर रहे हैं। तो भाई ये किसके लिए कर रहे हो? सोचो आप किसके अधीन हो, तब आप ये विष्णु ग्रंथि के अधीन हो। तो आप यहाँ से तो आपको अगर निकलना है, तब आपकी चेतना में कुंडलिनी शक्ति और अग्रसर होगी वही, ठीक है ना? और अगर ये एक बार खुल जाती है तो लाइफ टाइम के लिए खुलती है, फिर ये बंद नहीं होती। पर खुलना खुलना एक कठिन काम है, खुलना एक कठिन काम है। तो विष्णु मंत्र का हम इसमें जाप कर सकते हैं, और हम विष्णु मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो नारायणे नमः, ओम नमो नारायणे नमः, इसका जाप करें। यानी इसको भी भाव से, और इसको किस तरह से बोलते हैं वो जब मैं ध्यान में लेके जाऊंगी आपको, तब बताऊंगी उस वक्त इसकी प्रक्रिया, कि श्वास के साथ में हम कैसे, कौन से अक्षर को आउटगो करते हैं, फिर किस पे स्थिर रहते हैं और किस को इनहेल करते हैं। अगर इसका जो धारा प्रवाह ऊर्जा जब चलती है तो भी इन ग्रंथियों को ऊर्जा मिलती है और ये घुलने लगती है। पर विश्वास रखिए, कार्मिक जरूर होना है, कार्मिक हीलिंग जरूर होनी है, ठीक है? और विष्णु ग्रंथि को बहुत सुंदर तरीके से शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में पूरा वर्णन किया है, और पूरे श्रृंगार का माँ के वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही बैठी है। तो उसको भी आप सुन सकते हो, जब सौंदर्य लहरी सुनते हैं तो एक खासा, एक ऊर्जा धारा प्रभा आपके अंदर बहती है, तो उसका भी आनंद आप ले सकते हो। अब आइए भाई रुद्र ग्रंथि क्या है? ये आपके अनाहता से लेके आज्ञा और सहस्रार चक्र, तो ये जो ग्रंथि है ना, ये हमारे सारे, चाहे मटेरियलिस्टिक वो चीजें हों, चाहे हमारा प्रेम शांति, इन सब से ऊपर जो आत्मिक है, जो ईश्वर सत्यता की ओर चलना है, उस तरफ प्रेरित करती है।
अगर ज्ञान का अभाव है और हम नहीं चल पा रहे तो हम इस ग्रंथि के अधीन हैं, तब हम रुद्र ग्रंथि के अधीन हैं। और ईगो पे जो काम कर ले, ये ग्रंथि जो है वो व्यक्ति के अंदर ईगो को गलाती, अगर ये गल जाए तो व्यक्ति का ईगो गल जाए, और ईगो है, सुपरा ईगो है, तो फिर ये ग्रंथि के अधीन वो है कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास अपार ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। पर तो सच पूछो, ये तो पूरा ब्रह्मांड इतना व्यापक है कि किसी को 100% नॉलेज तो हो नहीं सकती। हाँ, किसी को किसी से ज़्यादा हो सकती है थोड़ी, पर 100% नहीं हो सकती। वो ईश्वर सत्य को ही है वो ज्ञान। तो ईगो रखने वाला नहीं है, ईगो से आप अपने को परहेज रखिए, उसको घोलिए, उसको गला दीजिए, क्योंकि ईगो कड़क होता है, वो तुरंत टूट जाता है, ईश्वर तोड़ देता है, लठ की तरह होता है। और जब हम ज्ञान आ जाता है तो लदे फल की तरह उसकी डुग्गी नीचे की तरफ जैसे झुक जाती है ना, उसको समझ में आता है और वो सहज हो जाता है, सबके काम के लिए आता है वो व्यक्ति, और अपने लाइफ को वो घोलने लगता है सबके भलाई के लिए। मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये प्राप्ति कर ली है ज्ञान की, सब गलत है। तो रुद्र ग्रंथि के तहत आप ईगो, सुपरा ईगो आपका काम करता है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो समझ लीजिए आप इस पर काम कर रहे हो, और जो कुंडलिनी का सही मार्ग है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि आवश्यक है। और यहाँ से जो खुला तो आप अनंत प्रसन्नता आनंद में रहोगे हमेशा। और जो हमारे सात लोग ऊपर के होते हैं उनसे हम जुड़ते हैं, सात लोग मीन्स सेवन एनर्जीज, हायरकीज, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ हायर एनर्जीज, हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये है कुछ बातें जो ग्रंथि रिलेटेड हैं। ये तीन मुख्य ग्रंथि पे ज़रूर काम करना है, ये हमारी कार्मिक नोट्स होती हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं हर व्यक्ति के एनर्जी फील्ड में, भले ही ये फिजिकल उस पे ना हो प्लेन पर ये कॉस्मिक प्लेन पर आपके साथ हर लाइफ में जाती हैं। तो जितना आप इसमें काम कर लें उतना ही अच्छा है। और इसका जो मंत्र है, अगर हम मंत्र पे आ जाएं तो ओम नमो रुद्राय नमः, ओम नमो रुद्राय नमः। तो इसका भी मैं आगे जाके ध्यान, इन तीनों का, साइकिक नोट्स के तीनों पहलुओं का ध्यान कराऊंगी, जिससे कि आप कभी वंस इन अ वाइल उसका आनंद उठाएं और हो सके तो उसको, ब्लॉकेज को, अवरोध को दूर करें, क्योंकि ये ही अवरोध क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। तो आज के लिए मैं समझती हूँ इतना ही है, और अगली बार मैं कोई दूसरा विषय लेके आऊँगी। और तब तक के लिए मस्त रहें, आनंद में रहें और स्वस्थ रहें।